वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं DI का एक मेमोरी बेस्ट सेट लेकर के आया हूं। ये सेट IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेन एग्जाम का है, 2018 का है, मेंसुरेशन बेस्ट है, चैप्टर बेस्ट DI है, मेंसुरेशन बेस्ट है, चैप्टर बेस्ट DI है, लेकिन फिर भी IBPS PO मेन में या SBI PO मेन में जो लेवल होता है वो नहीं है। आपको रेट का कंसेप्ट पता है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। स्टडी द गिवन लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन डिफरेंट ईयर्स। 6 डिफरेंट ईयर्स में दिया हुआ है कि लैंड का जो रेट है वो क्या है, यानी 2011 में 1800 रुपीज पर स्क्वायर फीट ये रेट है। 2012 में ये रेट इंक्रीज होके 2600 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो जाता है। और ऐसे ही डेटा है, क्वेश्चंस होंगे, लेकिन डेटा को ऑपरेट कैसे करना है ये मैटर करता है। कैलकुलेशन कम से कम कैसे करें ये सवाल है। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन 2015 राहुल बाउट प्लॉट ऑफ 1800 स्क्वायर फीट। चलिए ठीक है, 1800 स्क्वायर फीट का एक लैंड खरीदा और रेट तो आपको पता है कि 2015 में 2200 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, तो आप बता ही सकते हैं कितना पैसा लगा। लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन हाउ मच प्लॉट ही कैन बाउट विद द सेम अमाउंट इन 2016। जो पैसा मिला उसी से 2016 में कितना बड़ा प्लॉट वो खरीद सकेगा। एक तो यूजुअल वे है कि चलिए कितना पैसा मिला, कितना पैसा लगा, ये सेल करने पर जो मिला, फिर से अगर 2016 का सवाल होगा तो क्या होगा। लेकिन 2016 में कितना बड़ा प्लॉट। फ्रैक्शनल मेथड कहता है कि अच्छा ये बताइए ना कि पहले कितना बड़ा प्लॉट था, 1800 स्क्वायर फीट इतना था ना, ठीक है। 2015 की तुलना में 16 में तो 2200 के रेट से ये मिला था। अगर रेट बढ़ जाएगा तो कम मिलेगा ना, छोटा मिलेगा ना, छोटा का मतलब 2200 बाय 2400। कम पैसा में जितना पैसा है उसमें जो लैंड आप खरीद करके लाए हैं 1800 स्क्वायर फीट का, रेट अगर बढ़ जाएगा तो उतने ही पैसे में पैसा समान लाना है तो लैंड छोटा होगा कि नहीं। 2200 की तुलना में 2400 रुपीज के हिसाब से अगर मिलने लगे तो उस पैसे में आप कम खरीदेंगे ना, छोटा प्लॉट मिलेगा ना। देखिए, फोर से डिवाइड कर दें, अरे नहीं डिवाइड करेंगे, हालांकि अच्छा ही है, 11 फैक्टर है, कर सकते हैं, पर मेरा कहना है कि 11 फैक्टर अगर नहीं होता है तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 3300 का हाफ 1650 स्क्वायर फीट, इतना बड़ा लैंड नहीं मिल पाएगा क्योंकि रेट ज्यादा है 2200 रुपीज स्क्वायर फीट की तुलना में 2400 रुपीज स्क्वायर फीट अब हो गया है, तो प्लॉट छोटा मिलेगा, पैसा उतना ही खर्च करना है। क्लियर। इसके बाद आइए अगला सवाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। In 2016,
We bought a plot of 800 square feet. रेट आपको पता है 16 में लाया, ठीक है लाने दीजिए, करना क्या है? And sold it in 2017. Okay, 2017 का जिक्र नहीं है, next year उसने उसको बेचा to earn a profit of 20%. Then find the price per square feet in 2017 for the same plot. Per square feet क्या होगा? आप मुझे बताइए, लैंड तो वही है ना, जमीन के टुकड़े का एरिया तो नहीं बदला ना, तो जो रेट है वो 20% इंक्रीज हो जाए, यानी जो प्राइस है उस पर 20% का मुनाफा कमा लीजिए, तो फिर 20% ज्यादा पर बेच दीजिए. नहीं समझे? अगर 2017 में बेचना चाहते हैं तो जस्ट रेट इंक्रीज कर दीजिए, रेट इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि प्लॉट कांस्टेंट है. मुनाफा कमाना है अगर, तो 2016 में 2400 है, देखिए 2400 रुपीज पर स्क्वायर फीट है ना. अगर आपको 20% मुनाफा कमाना है तो 20% का मतलब है हर स्क्वायर फीट पर मुनाफा कमा लीजिए 480 पर स्क्वायर फीट, यानी कि रेट होगा 2880 रुपीज पर स्क्वायर फीट. इसमें हम अमाउंट क्यों निकालें, जरूरत ही क्या है? क्योंकि वो पूछ ही रहा है कि पर स्क्वायर फीट 2017 में कैसे करके सेल करेंगे, तो 20% मुनाफे के साथ सेल करेंगे. हमको 800 स्क्वायर फीट का कोई यूज नहीं करना है, उसका यूज है ही नहीं. जल्दी बताइए, पर स्क्वायर फीट पूछा है, पर स्क्वायर फीट प्रॉफिट ले लीजिए, खत्म, क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट सतीश, देखिए सतीश बाउट 1840 square feet लैंड इन 2012. ओके, सतीश ने 2012 में 2600 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से एक लैंड खरीदा 1840 स्क्वायर फीट का है. मालूम नहीं क्वेश्चन क्या है, देखते हैं. एंड सैंडी बाउट 1640 स्क्वायर फीट लैंड इन 2014. ओके, निकालना क्या है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट बाय सतीश इन 2012 टू अमाउंट स्पेंट बाय सैंडी इन 2014. ये तो रेशियो है, रेशियो में तो कुछ खास करना ही नहीं है. देखिए सतीश और कब है उसको लिख देते हैं समझने के ख्याल से. 2012, 1840 into 12 मेरिट, देखिए 2600 इस टू रेशियो लेना किसका, सैंडी. कब? 2014. और इसका रेट क्या है सैंडी का, देखिए सैंडी का 14 में रेट है 1000 के हिसाब से, और उसने खरीदा है 1640 इन 2000. जल्दी बताइए, यही है ना, इसको सॉल्व करना है. आप मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, ऐसे और ऐसे करते हैं, इस जीरो को रहने देते हैं, ठीक है. अब देखिए 4 से कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करें, 41 तो रहेगा, और बस यही संभव है 13 और ये 5, यानी कि 205. इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है मालूम, 50 मान लीजिए तो क्या होगा, 650 में 52 लेस कीजिए तो 598, 52 लेस करना है ना, 598. जल्दी बताइए, 50 minus 4, 50 का मतलब 650 माइनस 52 लेस कर तो 598. क्लियर?
ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ आयुष बाउट ए प्लॉट इन 2010 एट ए प्राइस 3/4 ऑफ द प्राइस इन 2013, मतलब आयुष ने 2013 में जो प्राइस था, जो भी था 1400 रुपीज पर स्क्वायर फीट, उसके 3/4 पर ही खरीदा, मतलब 1/4 कम लगा। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट पेड बाय आयुष टू बाय ए प्लॉट ऑफ 2240 स्क्वायर फीट इन 2010 एंड 13। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के बीच में। इस स्क्वायर फीट को ध्यान दीजिए, वो नहीं बदल रहा है। 2240 स्क्वायर फीट दोनों ही ईयर में सेम स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा जाता है, तो अमाउंट में अंतर क्या आएगा? तो रेट में जो अंतर होगा इनटू दिस पर स्क्वायर फीट, जो डिफरेंस होगा पर स्क्वायर फीट, क्या डिफरेंस होगा? अरे वो पूरा है, ये 3/4 है, 1/4 का डिफरेंस है। यानी 1/4, गौर कीजिए, 1/4 ऑफ 1400 और इसको 2240, बताइए यही ना अंतर होगा, यही ना डिफरेंस होगा, यही वैल्यू है ना। तरह तरह से आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहली बात ये है कि ये 4 से करना है तो इसे 700 कीजिए और इसे 1120 कीजिए, अच्छा लगेगा ना। गौर कीजिए, 1100 इंटू 700, तो देखिए 770,000, देखिए 770,000, 1100 से कर दिया और 20 से करेंगे तो 14,000। ये कैलकुलेशन का तरीका है 784K, यानी 7.84 लाख। बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, बताइए कैलकुलेशन कैसे की, समझ में आ रहा है ये बताइए। कैलकुलेशन में ऐसा है, बताता हूं कि 700 इंटू इसको हम लोग 1100 प्लस 20 कर देते हैं तो चीजें एकदम आसान हो जाती हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए मैंने लिखा, क्लियर? आगे बढ़े और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखिए, फिफ्थ नंबर, ए प्लॉट बाउट बाय अभी इन 2016 इस 2420 स्क्वायर फीट, 2420 स्क्वायर फीट, रेट अलग होगा 2016 का, ओके। एंड ए प्लॉट बाउट बाय रॉली इन 2011 is 1640 square feet, then find the average of the money is spent by Abhi and Raleigh. Average हमको निकालना है amount को बांट करके, क्यों? Rate को ही half कर दें या plot को ही half कर दें? हम ऐसा क्यों ना लिखें 1210 into, बताता हूं क्यों, 2400 प्लस, बताता हूं, 820 इंटू 11 1800, ऐसे क्यों ना लिखे, डायरेक्ट ऐसे क्यों ना लिखे, जल्दी बोलिए। नहीं समझे, देखिए मैं बताता हूं, दरअसल है क्या, 2420 into 2400, ये टोटल सम है, और दूसरा वाला 1640 into 1800, ये सम है, और ये जो एवरेज हमें निकालना था उसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा, इससे आसान हो गया ना, जल्दी बताइए।
आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। कैसे? कम से कम 1000 तो कॉमन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। जल्दी बताइए, 1000 कॉमन ले लेंगे तो 121 × 24 बचेगा, प्लस 82 × 18 बचेगा, इतना के 1000। इससे आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? तो सुनिए, बताता हूं। ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला 18 का टेबल आता हो तब तो कोई बात ही नहीं है, और टेबल आता कैसे नहीं है? 18 फोर जा जब बोले 72 का डबल 144, 144 का मतलब 1440 एंड 36, 1476। और ये 11 × 11 है ना, एक बार 11 फिर डबल, एक बार 11 से कीजिएगा तो क्या होगा? 462। एक बार और 11 से कीजिएगा तो क्या होगा? जल्दी बताइए, 4092। जल्दी बोलिए, इतना के। यानी कहने का मतलब 4380 के, यानी इतना लाख। आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा सुटेबल लगना चाहिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए। क्लियर? ढंग से आप ऑपरेट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ढंग से करते हैं, तो बहुत जल्दी कम समय में आप ये कर पाएंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं, रियल में एप्लीकेशन का इससे पता चलता है। All the best.